केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। बढ़ते हैं संथाल की प्रमुख खबरों की ओर। चार दिवसीय चैती छठ का समापन साहिबगंज। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय चैती छठ का शुक्रवार को समापन हो गया। मौके पर सुबह में अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे से ही शहर के बिजली घाट समेत आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का अर्घ्य देने के लिए तांता लगा हुआ था। बाइक दुर्घटना में एक घायल रेफर। बोरियो साहेबगंज मुख्य मार्ग के हरिणचरा मोड़ के पास गुरुवार की देर शाम रणचरा के निलंबर मलतो अपनी बाइक से बोरियो हाट से रणचरा लौट रहे थे। अचानक संतुलन खोने से बाइक से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। CHC इलाज के लिए लाया गया। गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सक ने साहेबगंज रेफर कर दिया। घायल निलंबर मालतो की आंख में गंभीर चोट आई है। बारी यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ झांकी निकाली। बोरियो वासंतिक चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन शुक्रवार को सार्वजनिक चैती दुर्गा पूजा समिति ने बोरियो मोरंग नदी से बारी कलश यात्रा निकाली। यात्रा मोरंग नदी से कलश में जल भरकर मंदिर परिसर तक पहुंची। मंदिर का कपाट खुलते ही मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर बरहेट में चैत्र मास की समाप्ति तिथि पर मां दुर्गा देवी को बारी लाने के लिए श्रद्धालुओं व कुंवारी कन्याओं ने कलश के साथ मंदिर से यात्रा निकाली। गुड्डा, सागपत्ता काटने का विरोध करने पर मारपीट। पकड़िया गांव में सागपत्ता काटने का विरोध करने पर मारपीट हो गई। घटना में पकड़िया गांव के 25 वर्षीय ब्रह्मदेव यादव घायल हो गए। घायल ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल भेज दिया। पीड़ित ने बताया कि उसने अपने खेत में गेनाहरी सागपत्ता लगाया है। आरोपी खेत से सागपत्ता काट लेकर जा रहे थे। विरोध जताया तो मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। हसडीहा के गंगवारा में जलने से विवाहिता की संदेहास्पद मौत। दुमका के हसडीहा थाना क्षेत्र के गंगवारा में विवाहिता गुड़िया देवी जलकर झुलस गई। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में देर शाम उसकी मौत हो गई। इसके बाद पति पवन ने ही उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। पति ने बताया कि घर में पत्नी घरेलू कामकाज करने के दौरान जल गई। इस क्रम में उसकी साड़ी में आग लग गई और वो झुलस गई। पाकुड़, बच्चों के नामांकन व उपस्थिति कार्यक्रम का उद्देश्य। DSE महेशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शुक्रवार को BDO महेशपुर उमेश मंडल की अध्यक्षता में स्कूल रूअर 2022 की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला शिक्षा अधीक्षक पाकुड़ दुर्गा नंद झा ने दीप जलाकर किया। जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 से 18 आयु वर्ग से नामांकित सभी बच्चों की अनुपस्थिति क्यों हो रही है ये जानना है और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का 100% नामांकन व उपस्थित सुनिश्चित कराना है। हिरणपुर में छात्रों के बीच बैग का वितरण। हिरणपुर बालक मध्य विद्यालय में शुक्रवार को नामांकित छात्र छात्राओं के बीच बैग का वितरण किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मसलुद्दीन अंसारी ने कहा कि यह हमने छात्र छात्राओं के बीच बैग वितरित करने का कार्यक्रम किया है। मसलुद्दीन अंसारी सहित अन्य सदस्यों ने बारी बारी सभी छात्र छात्राओं के बीच बैग वितरण किया। बैग पाकर छात्र खुश दिखे। प्रबंध समिति अध्यक्ष ने बताया कि विद्यालय में 1100 से ज्यादा छात्र नामांकित हैं। सभी छात्रों के बीच बैग का वितरण किया गया है। भाजपा ने दी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। हिरणपुर केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा प्रखंड इकाई ने शुक्रवार को हिरणपुर के कई गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से संपर्क किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद सिंह ने किया। इस दौरान लाभुकों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही फीता काटकर प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। साथ ही नए लाभार्थियों को LED बल्ब उपहार में दिया गया। दुमका, सड़क निर्माण को लेकर DC कार्यालय पर प्रदर्शन। दुमका जिले के झुरको और काठी जोरिया के बीच महज 400 फीट के जमीन विवाद को लेकर निर्माणाधीन सड़क का काम रुक गया है। इसको लेकर ग्रामीणों के बीच भारी आक्रोश है।
शुक्रवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस 400 फीट जमीन के कारण सड़क का निर्माण बाधित हुआ है वह जमीन सरकारी है, जबकि दो लोग उस पर अपना दावा कर रहे हैं। इस कारण सड़क का निर्माण प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों के डीसी से मांग है कि मामले में हस्तक्षेप कर सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। मणिकडीह में घर से बाहर लगी बाइक चोरी। टोंगरा थाना क्षेत्र के मनु बेसरा की बाइक मणिकडीह गांव से चोरी हो गई है। बाइक चोरी की यह घटना शुक्रवार को हुई। मुरजोड़ा थाना गांव के निवासी मनु बेसरा अपनी बहन के साथ एक शादी में शरीक होने के लिए मणिकडीह गांव गए थे। वे सुमरी हास्ता के घर रुके थे। लौटने के लिए जब घर से बाहर निकले तो बाइक गायब थी। इस मामले में मनु बेसरा के बयान पर टोंगरा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।